भौगोलिक तौर पर की जब हो सके, क्योंकि ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह का वातावरण दिखा गया, वो न्यायालय खोलने की तैयारी किस तरह से की जाए और कोरोना से बचाव अदालत खोलने पर किस तरह से किया जाए, इसका एक संदेश देना था, ताकि जितने भी न्यायिक कर्मचारी हैं, अभिभाषक गण हैं और यहाँ जो कोरोना वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे चिकित्सा कर्मी हो, उन सबके एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अभियोजक कार्यालय और न्यायिक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में रखा गया, जिसमें जवाहर फाउंडेशन द्वारा, केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा, अग्रवाल समाज द्वारा व ग्रीन आर्मी द्वारा सहयोग दिया गया और उस सहयोग के तहत सैनिटाइजर, कोरोना से बचाव के लिए दवाई और उसके साथ में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण सभी जो यहाँ कार्यरत है उन सभी को किया गया। उसके साथ में, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ग्रीन आर्मी की तरफ से लाए गए तुलसी के पौधे ये सभी को वितरित किए गए, तथा प्रतीकात्मक रूप से ये एक संदेश दिया गया कि जब अदालतें खुलेगी तो सभी न्यायिक कर्मचारीगण, चाहे न्यायिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अभिभाषक हो, उन्हें किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना है, बार बार हाथ धोने, इसकी भी व्यापक व्यवस्था अदालत में की गई है। प्रत्येक कर्मचारी को सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई है, उनके मास्क की व्यवस्था कराई गई है और बिल्कुल आने वाला समय खुशहाल हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, इसी आशा के साथ ये कार्यक्रम किया गया है। लोक अभियोजक विवेक परशर ने आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में जिला बार एसोसिएशन, जवाहर फाउंडेशन, अग्रवाल सेवा संस्थान, ग्रीन आर्मी और पूरी जिला बार के और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से मास्क, सैनिटाइजर और होम्योपैथी की दवाइयों का वितरण किया गया, जो वर्तमान में वैश्विक कोरोना महामारी चल रही है उससे किस प्रकार से निजात पाया जाए, उसके बारे में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय और पीपी साहब श्री पाराशर जी का संबोधन हुआ, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से हमें मास्क का हर हाल में इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और बार बार जब भी कोई नई चीज़ छुएं तो हमें 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोने हैं और किस प्रकार से हमें हाथों को स्टरलाइज करना है, किस प्रकार से सैनिटाइज का उपयोग करना है। और क्योंकि हम सभी एक आपदा से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में यह एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण के तहत दिया गया मैसेज है, जिसका दूरगामी अच्छा परिणाम निकलेगा। और मैं सभी संस्थानों की और पूरे जिला बार और जिला प्रशासन और जिला न्यायालय की प्रशंसा करता हूँ कि सभी ने इसमें शिरकत करके और एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज दिया है, ताकि जो वर्तमान में महामारी है कोरोना की, उस जंग को हम जीत सकें और इस बीमारी से निजात पाते हुए और सकुशल वापस लौट सकें, जिसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क, तीन चीज़ें प्रमुखता से हमें उपयोग करनी है।